राम राम के साथ भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज डेल्टा जो बीज कंपनी है उसके ऑफिस में आपको बुलाया गया है। आज हम आपको गेहूं की उन्नतशील नई प्रजाति के बारे में जानकारी देंगे। एक ऐसी प्रजाति जो रबी सीजन में किसान भाइयों के लिए कम लागत, कम समय, कम कर्षण क्रियाओं को करके बहुत ही उत्तम दर्जे की पैदावार प्राप्त की जा सकती है। तो आप सभी तैयार हैं नए किस्म को जानने के लिए? जी 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 जी। चलिए बहुत बहुत स्वागत है। आज डेल्टा की किसान पाठशाला है और इस पाठशाला में आप सभी गणमान्य किसान भाई आमंत्रित हैं। तो हम लोग एक नई प्रजाति के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारी डेल्टा की पाठशाला है। आज हम बात करेंगे डेल्टा TSW25 के बारे में। इसका मतलब यह है कि डेल्टा तो कंपनी का नाम हो गया, TSW का मतलब है डेल्टा सुपर व्हीट यानी गेहूं 25 नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले किसान भाई बात करते हैं हम लोग कि डेल्टा 25 की बोरी कैसी है। तो आप यह देख रहे हैं आपके प्रत्यक्ष सामने है, ये 19 किलो की बोरी है, यानी एक एकड़ में आपको 38 किलो ग्राम ही बीज की मात्रा खेत में डालनी है। DSW25 सुपर व्हीट का मतलब है कि बेहतर ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, अच्छी देख रेख में फर्स्ट जो कल निकलती है उसको डेल्टा आप तक पहुंचाने का काम करती है। इसलिए हमें बीज की अधिक मात्रा खेत में डाल के अपने पैसे का नुकसान नहीं करना है, हमें उन्नतशील प्रजाति का चयन करके ही अपने खेत में डालना है जिससे हमारे बीज में भी पैसे का बचाव हो सके और पैदावार में हमारा इजाफा हो सके। तो डेल्टा DSW025 है ये गाउचों से ट्रीटेड है क्योंकि अपनी देश की कंपनी है, इसलिए किसानों के हित को समाहित करके ही बीज का व्यवसाय करती है। इसको गाउचों से ट्रीट किया गया है। अब गाउचों से ट्रीट करने में क्या नफा नुकसान है? तो किसान भाइयों आप जानते हैं गाउचों बीज शोधन के लिए सबसे उपयुक्त दवा होती है। जो बिजाई में मिट्टी के संपर्क में जैसे आपका बीज गया, बिजाई के समय से लेकर 45 दिन तक बढ़िया कल निकलते हैं, जब तंत्र का विकास होता है तो किसान भाई हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। तो आपको बाजार में जितनी भी प्रतिद्वंदी कंपनी रंग बिरंगे थैले गेहूं के बोरे देख रहे हैं ऐसे बीजों से बचे और डेल्टा का जो DSW025 नंबर है इसको आपको लगाना है, अपने किसान मित्रों को भी बताना है। अब बात आती है खेत की तैयारी। सबसे जरूरी है खेत की तैयारी। भाई खेत को आप तैयार करेंगे, अगर खेत हमारा तैयार नहीं होगा ढंग से तो फिर निश्चित तौर पे हमारा उत्पादन में प्रभाव पड़ता है। तो आपको खेत बढ़िया भुरभुरा ढेला मुक्त कर देना है, पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि खेत की तैयारी के साथ में आपका खाद उर्वरक सबसे बेहतर है 80 किलोग्राम नाइट्रोजन पूरी फसल के लिए चाहिए, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश। आपको खाद उर्वरक ये जो बताइए ये मध्यम उर्वरा शक्ति वाली जमीन के लिए है। अब आता है बिजाई का समय के लिए, अच्छी उपज के लिए उम्र माह में अगर आप DSW025 की बिजाई करते हैं तो रोग रहित फसल, अच्छे कल्ले, अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त होगा। अब बुआई के बाद में सिंचाई, सिंचाई तो वैसे इसमें 3 या 4 पर्याप्त होती है। कल्ले निकलते समय पहले वहां पर पहले किया, फिर कल्ले निकलेंगे तब करना है, जब बाली निकलने के समय आती गोबर आती है तब करना है, और जिस समय दूध भरता है उस समय करना है। जमीन की जल धारण क्षमता को देखते हुए, मौसम के उतार चढ़ाव को समझते हुए आपको 4 से 6 सिंचाइयां भी करनी पड़ सकती है। अब आपने खाद दे दिया, आपने देख रेख अच्छा कर लिया, अब उत्पादन की बात आती है और पकने का समय। किसान भाइयों यदि सही समय पे आपने
इस गेहूं की बिजाई की है तो यह गेहूं 130 से 35 दिन में पक के तैयार हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि गेहूं की पैदावार कैसे आप पहचानें, तो ये देखिए, ये है 0-25 की बारी। इसका जो तना है बहुत चमकदार होता है। चमकदार का मतलब है कि इसमें फास्फोरस पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, अन्य प्रजातियों में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें पीला और चमकदार है। इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीशियम फास्फोरस पोटेशियम की अधिक मात्रा है। इसका फायदा क्या है? जब बाजार में इसका भूसा बेचते हैं या अपने जानवर को भूसा खिलाते हैं तो ये बहुत सुपाच्य होता है, जुगाली अच्छा करता है हमारा पशु, और साथ ही साथ में उसका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। अब हमारे लिए क्या है, इसकी बाली, इसके हर बाली का कोर आप देखेंगे तो दाने से घसा हुआ है। बाली एक लगभग बिलान ये मान चलिए जो है लंबी रहती है, और इसमें जो कोर होते हैं हर कोर में दाना है, यानी दानों की संख्या हमारी एक एकड़ में पैदावार कम से कम 24 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें मिलेगी। अगर हम इस गेहूं को देखें तो इसमें आप कहते हैं कि खाने में कैसा होता है, तो इसमें इसके जो अंदर आटा होता है, दाने में जो आटा होता है उसमें ग्लूटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। ग्लूटीन का मतलब है कि चपाती हमारी बहुत स्वादिष्ट, चपाती बनाने में मुलायम होती है, चपाती फूलती बहुत अच्छी है, इसलिए दाना एकदम भरा हुआ सुगर होता है, चपाती अच्छी बनती है, खाने में स्वादिष्ट है, इसीलिए डेल्टा सुपरहिट किसानों के लिए मेरा वरदान है। अब मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप और अपने किसान मित्रों को सभी को जरूर इस वैरायटी के बारे में बताएं और उनको अवगत कराएं कि हमें देखिए, आप भी देखिए बाली कितनी इसकी सुडोल और जानदार है। अच्छा सर, इसमें कल्ले कितने आते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। गेहूं की पैदावार हमारे कल्ले पर निर्भर करती है। एक दाने से जो चेगा फूटते हैं, कल्ले निकलते हैं, वो 8 से लेकर 12 कल्ले देखने को मिलते हैं, यानी बहुत ज्यादा फुटाव करता है। यहीं पर अगर इसको सघन कर देंगे तो फिर इसमें कल्लों की संख्या कम हो जाती है, या फिर कल्ला निकल के तो आएगा लेकिन कुछ नीचे और कुछ ऊपर नहीं जाते, जिससे बाली में समय परिवर्तित नहीं होती। दूसरा इसमें एक और है जो हमारे किसान मित्र ने पूछा, इसका जो जड़ तंत्र है, अगर हमारा 8 कल्ले निकल के आया, 10 कल्ले निकल के आया, तो इसका जड़ तंत्र बहुत अच्छा विकसित होता है और ये गुच्छा ज्यादा नीचे को नहीं बनाता और ऊपर भी नहीं रहता है, एकदम मध्यम दर्जे में 4-5 इंच की जमीन पे गुच्छा बनाता है, जिससे सिंचाई की दशा में, खाद उर्वरक की दशा में हमारा जड़ तंत्र बहुत अच्छे से अवशोषित करता है और पूरा अपना विकास करता है। किसान भाइयों, इसकी जो हाइट है, जो पड़वार है, ये 95 सेंटीमीटर से लेके 105 सेंटीमीटर ही इसकी पढ़ान है। इसका तना मोटा है, मोटा मजबूत दिख रहा है, मजबूत है, इस वजह से गिरने के प्रति सहनशील प्रजाति है। तो आप सभी किसान भाइयों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लगाएं और अपने किसान मित्रों को भी इसको बताएं। तो आप सभी इस जानकारी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान पाठशाला में ये जानकारी आपके लिए कैसे उपयोगी है? सर, बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया। दूसरा, हम लोग खेती करते हैं लेकिन इतना मजबूत डंठल हमने गेहूँ का नहीं देखा था, और इसके दाने भी देखा हमने, वो भी बहुत ही बोल्ड है, जो मतलब देख के लग रहा है कि हमारा जो पैदावार, हम 17-18 क्विंटल से अधिक गेहूँ नहीं काट पाते हैं। वास्तव में जो हम आपका 0-25 का डेटा का वो लगा रहे हैं कि एक अच्छा पैदावार मिलेगा, और आपके तरफ से जानकारी मिली है तो इसका हम लगाएंगे और अपने और किसानों को भी इसकी जानकारी देंगे और मात्रा में लगवाएंगे। सर, बहुत अच्छी जानकारी लगी आपकी, इससे हमको ये पता चलता है कि जो आपके गेहूँ का है और इतना पैदावार हम लोग खेत में नहीं होती है, जिस हिसाब से आपने जानकारी दी है, इसको हम एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखेंगे और लगाएंगे अपने खेत में। वैसे तो इसका गेहूँ बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार इसको लगा के हम जरूर देखेंगे। ये सर हमारे लिए इतनी ज़्यादा उपयोगी है, हम किसान भाइयों के लिए, कि हम अच्छा तो बीज खरीदते हैं, लगाते हैं, लेकिन
सही उत्पादन लेने के लिए कब कब हमें क्या करना चाहिए ये जानकारी आपसे मिली, और इस डेल्टा DSW 25 नंबर गेहूँ को हम जरूर लगाएंगे।